हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। दोस्तों, आज जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं ना, वो चीज़ है महाराष्ट्र की फेमस इन दिनों यानी कि गर्मियों के सीज़न में जब आम मिलने लगते हैं तो हर एक घर में ये चीज़ बनती ज़रूर है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर इसको धीरडा कहा जाता है या फिर आप इसे चीला कहिए। तो इस तरह से ये बनाना है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किस तरह से बनता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है और आम के रस के साथ में खास इसे खाया जाता है, तो ये इसकी खासियत है। वैसे आप इसे हरी मिर्च डाल देंगे तो आप डोसे की तरह खा सकते हैं इसे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आम रस के साथ खाया जाने वाला ये चीला। तो फिर इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब गेहूं का आटा ले लिया है। गेहूं के आटे में हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और फिर 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर मोटा सूजी यूज़ कर रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें सूजी डाल दिया है। अब हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने चाह रहे हैं, तो वो है जीरा और लहसुन को इस तरह से साथ में हमें कूट लेना है। इसी से सारा फ्लेवर इसमें आने वाला है और आम रस के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को हम ज़रूरत के मुताबिक ही इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला घोल हमें नहीं चाहिए बट बहुत ज़्यादा थिक घोल भी हमें नहीं चाहिए। पहले मैं 1 ग्लास के करीबन इसमें पानी डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से लम्स फ्री बैटर हमें इसका रेडी करना है। तो इसके लिए मैं धीरे धीरे इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, आप देख रहे हो। तो मैंने ये बैटर अच्छी तरह से रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा पतला नहीं है पर बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो इस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं। बहुत जनों की कंप्लेंट रहती है कि ये अच्छी तरह से बनता नहीं है, टूट जाता है। तो अब इस तरह से बनाएंगे तो आपका ये चीला या फिर ये धीरडा कभी भी नहीं टूटेगा। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो चुके हैं इससे, 15 से 20 मिनट के करीबन हो चुके हैं। अब ये बैटर जो है थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो चुका है, आप देखिए। अब ये हमारे चीला बनने के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी है। मैंने ऑलरेडी एक पैन जो है गैस पर रख दिया है ऑयल डालकर, तो वो गर्म भी हो चुका है। हम जल्दी से फिर अभी बना लेते हैं चीले। ये 1 चम्मच इस तरह से हमने बैटर उठाया और इस तरह से हम इसे फैलाकर डालेंगे। मैंने 2 चम्मच के करीबन बैटर डाला हुआ है। अब इस बैटर को हम या तो हाथ से फैलाइए या तो फिर इस तरह से चम्मच की मदद से पूरी तरफ से। ये फैलाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसकी एजेस की तरफ से यानी कि साइड से सारे ही तरफ से ऑयल डालेंगे इस तरह से, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए, अब ये ऊपर से पूरी तरह से सेम कलर में हो चुका है। इसका इंडिकेशन है कि ये अब पूरी तरह से ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे आराम से पलट सकते हैं। तो इस तरह से चम्मच में उठाएं और यूं पलट दें। देखा आपने कितनी सुंदर रोटी की तरह एकदम ये चीला बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे ऑयल डालते हुए इस तरह से भून लेंगे। इसी तरह से हम इसे उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि चीला जो है हमारा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। फ्लेम को मीडियम से लो के बीच में ही रखें, ताकि ये चीला जो है जले भी नहीं और सारी तरफ से अच्छे से पक जाए। दिख रहा है ना एकदम रोटी की तरह, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये बनता है। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर बनाएं, मैं बाकी के भी सब बना लूँगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने चाहने वालों में। और फिर अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम नए वीडियोस बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।